विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से भारतीय फुटबॉल महासंघ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा के नियमों के गंभीर उल्लंघन की वजह से यह फैसला लिया गया। जानकारी के अनुसार इस महीने की शुरुआत में ही विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की वजह से भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित करने की धमकी दी थी। इसके साथ ही फीफा ने अक्टूबर में होने वाले महिला अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी के अपने अधिकार भी छीन लेने की चेतावनी दी थी। ये चेतावनी AIFF के चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कुछ ही दिनों बाद आई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति प्रशंसकों की समिति ने चुनावी प्रक्रिया शुरू कर दी। 28 अगस्त को चुनाव होने हैं। फीफा के इस फैसले पर अब पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने नॉर्थ ईस्ट लाइव को एक्सक्लूसिव वीडियो संदेश के जरिए प्रतिक्रिया दी। It's very unfortunate that FIFA is banned Indian football, and at the same time I feel it's a very harsh decision from FIFA to ban Indian football. But at the same time I think it's a great opportunity to get our system right. And it's very important that all the stakeholders, the federation, state association, sports ministry, to come together, get the system right, and everybody work for betterment of Indian football. और फीफा ने बहुत गलत कदम उठाया है, ये होना नहीं चाहिए। फीफा नो डाउट कभी पैसे देती है फेडरेशन को चलाने के लिए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। जब तक इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पोर्ट नहीं बढ़ेगा। हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन फुटबॉल में बढ़ावा नहीं मिल रहा। हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का एक आर्टिकल 26 में एक रूल है कि कोई भी एक एज लिमिट का है, 70 साल से ऊपर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका अमेंडमेंट कर रखा है, सब कुछ है, तो आप कैसे करके वो गलत कदम उठा रहे हैं? तो ये ठीक बात नहीं है। एक दो ऑफिशियल्स के लिए पूरे देश को अगर आप ताक पर रखें, वो बहुत बड़ी बहुत खराब बात है। हम इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ अपने स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और अपने फेडरेशन के, अपने जितने भी प्लेयर्स को, कि ये ज़रूर होना चाहिए। ये लड़कियाँ, हमारी इंडियन लड़कियाँ जो मेहनत कर रही है, अभी तक नहीं खेल पाई। मैं भी इंडियन टीम का वुमेंस टीम का कोच था पहले, इसके पहले AFC भी नहीं खेल पाए कोविड के लिए। तो ये इसके इनके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपन हुआ। और फीफा ये वर्ल्ड कप होने से फायदा होगा, बच्चे हमारे बहुत आगे निकलेंगे और इंडियन टीम अच्छा खेलेगी।